आरक्षण के विभिन्न आयामों पर जारी चर्चा के पार्ट टू पर में आप सबका स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद पार्ट टू में आज हम आप सब मिले हैं, तो आवश्यक यह है कि जो पहले चर्चा हुई थी उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आरक्षण के दो प्रकार हैं जो हम बताए थे आपको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल आरक्षण 16(4) के अंतर्गत है आर्टिकल, जो जातिगत आरक्षण है SC ST OBC के पक्ष में है, और हॉरिजॉन्टल आरक्षण 16(1) के अंतर्गत है, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के सिद्धांत पर आधारित है, और वो ऐसे वर्गों के लिए है जो उनका जाति से कोई लेना देना नहीं, अपने स्वयं की श्रेणी में, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या रिजर्व कैटेगरी हो, उसमें अन्य कारकों के कारण वो अपनी श्रेणी में भी सबसे पिछड़े हैं, उसको हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। इंदिरा सानी का जो केस हुआ था, क्योंकि कई इस पर प्रश्न लोग करना चाहते थे, उस दिन प्रश्न नहीं हो पाए और व्हाट्सएप पे और फोन के माध्यम से कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे, इसलिए इंदिरा सानी के केस को थोड़ा और समझाना आवश्यक है। पहले तो इंदिरा सानी का केस क्यों आया और उसमें क्या, किस मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ विचार कर रही है। मंडल कमीशन का गठन भारत सरकार ने किया था अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लागू करने के संबंध में अनुशंसा देने के लिए, और उनकी उसकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने का जो फैसला हुआ, और अन्य पिछड़े वर्गों SC ST का जो आरक्षण था, उसके अलावा जो अन्य पिछड़े वर्ग उनका जो आरक्षण सरकार ने करने का निर्णय लिया 27%, उसकी जो अधिसूचना आई, उस अधिसूचना को विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई, और वो उस चुनौती देने वाली याचिकाओं का निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने किया, जो इंदिरा सानी के केस के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से इंदिरा सानी के केस में समानता के अधिकार को और रोजगार के संबंध में उस अधिकार की व्याख्या और उसका आरक्षण से संबंध, आरक्षण किस तरह से समानता के अधिकार को वास्तविकता में परिणत करने के लिए एक माध्यम है, और क्यों संविधान सम्मत है या किस हद तक संविधान सम्मत है, और किन किन सीमाओं के अंतर्गत वो आरक्षण लागू होना चाहिए, ये सब मुद्दों पर एक विस्तृत निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने किया। जैसा मैंने बताया था कि हमारे दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर ही इसका महत्व है, क्योंकि उस आरक्षण, अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की अधिसूचना के साथ ही हमारा जो 3% का आरक्षण था ग्रुप सी और डी, उसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 50% की आरक्षण की सीमा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले के केसेस में तो वो सीमा निर्धारित की गई थी कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता।
उसी निर्णय के आधार पर जब 27% का आरक्षण अन्य पिछड़ों वर्गों के पक्ष में किया गया तो आरक्षण की कुल आरक्षण का कुल प्रतिशत आरक्षित पदों का कुल प्रतिशत 49% 49.5% के पास पहुंच गया और अगर 3% उसमें ऐड किया जाता तो 52% हो जाता। बेशक ग्रुप सी डी में ही था तो हमने अलग से याचिका न डाल के इंदिरा सानी वाली याचिका में ही एप्लीकेशन इंटरवेंशन की और इंपीडमेंट की लगाई। सरकार के इस निर्णय को चुनौती देने के देते हुए कि हमारे आरक्षण को किस आधार पर समाप्त किया गया। हमारा आरक्षण का मतलब कोई जातिगत आरक्षण से लेना देना नहीं और इसलिए ये अलग श्रेणी का आरक्षण है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहली दो हियरिंग में हमारा आरक्षण रेस्टोर करा दिया था और उसके बाद हमारे आरक्षण की प्रकृति और यह स्पष्ट कर दिया था कि इस आरक्षण पर 50% की सीमा लागू नहीं होती। तो ये इस दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को समझाने के लिए क्षतिज आरक्षण को समझाने के लिए दिव्यांगों का ही उदाहरण लिया गया, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये केस बन जाता है। मूल रूप से क्या क्या इंदिरा सानी के केस में कहा गया, इंदिरा सानी के केस में ये कहा गया कि समानता का अधिकार, समानता के अधिकार का मतलब ये नहीं है, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कानूनी पेशेदगियों में लेना चाहे, कि समानता के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि समानता के अधिकार का उपभोग करने के लिए जो इनइक्वल है, जिन वर्गों के बीच विकास अवसरों चाहे वो शैक्षिक अवसर हो चाहे सामाजिक व्यवहार हो उसको लेकर असमानताएं हैं उनको समान रूप से ठीक किया, उस असमानता को समाप्त करने के लिए संविधान उस बात की अनुमति देता है या मैंडेट करता है कि उस समानता को समाप्त करने के लिए ऐसे शोषित वर्गों को पिछड़े वर्गों को के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि वे समानता के अधिकार का उपयोग कर सके। ये क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, आरक्षण एक माध्यम, दूसरा माध्यम कंसेशन से छूट रियायतें जैसे एज रिलैक्सेशन, क्योंकि हमारी शिक्षा लेट प्रारंभ होती है तो आयु अधिकतम आयु सीमा में छूट भी उसी समानता के अधिकार का हिस्सा है। ये प्रावधान इसलिए किया गया कि शिक्षा के अवसर कम होने पर होने के कारण और शिक्षा के अवसरों के कम होने के कारण दिव्यांगों की शिक्षा अन्य व्यक्तियों की शिक्षा बच्चों की शिक्षा के मुकाबले देर से प्रारंभ होती है, अधिक आयु में प्रारंभ होती है, इसीलिए उसका इम्पैक्ट रोजगार के अवसरों पर भी पड़ता है, इसलिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एक तरह के लिए आए 10 साल की जो छूट मिली हुई है दिव्यांगों को वो एक रियायत है। ये इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसी रियायतों पर
अपनी अप्रूवल की मोहर लगाई जुडिशियल सील ऑफ अप्रूवल। और ये कहा केवल आरक्षण ही एकमात्र समान अवसरों को सुनिश्चित नहीं करता, आरक्षण और रियायतें दोनों भी दी जा सकती हैं। केवल रियायतें दी जा सकती हैं जैसी भी स्थिति हो, जिस वर्ग की, उस आधार पर निर्णय किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो आर्टिकल 16(4) में आरक्षण है वो किसी भी हालत में 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो आर्टिकल 16(1) में जैसे हमारा वो 50% की सीमा उस पर लागू नहीं होती। और इस बात को फिर जो एनएफबी का यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एनएफबी का जो केस है 2008 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है वो इसको और स्पष्ट कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत या निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंद्रसन के केस में हमारे पक्ष में दी और आरक्षण के विभिन्न आयामों को समझाया। एक तर्क ये भी आया था केवल आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में परमिसेबल है और इसलिए जातिगत आरक्षण के अलावा कोई आरक्षण परमिसेबल नहीं, उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण दो प्रकार के होते हैं और जातिगत आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत है और क्षैतिज आरक्षण अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत परमिसेबल है। इसलिए अनुच्छेद 16(4) 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है और केवल अनुच्छेद 16(4) में ही सरकार के पास शक्ति नहीं है कि वो आरक्षण की व्यवस्था करे, अनुच्छेद 16(1) में ही सरकार आरक्षण की व्यवस्था कर सके ऐसे वर्गों के लिए जो जातिगत आरक्षण से में नहीं आते किंतु अपनी ही श्रेणी में अन्य कारकों के आधार पर जैसा मैंने बताया पिछड़े हुए, चाहे ओसी हो उस वर्ग के जैसे दिव्यांग, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी। महिलाओं का आरक्षण भी इसी तरह का है 15(4) में, नीचे 15(4) के अंतर्गत जो विशेष प्रावधान महिलाओं के लिए करने की अनुमति संविधान ने 15(4) में समानता के अधिकार के रूप में की है, इन्हीं सिद्धांतों पर वो भी एक क्षतिज आरक्षण। क्षतिज आरक्षण भी इसका इंप्लीमेंटेशन दो तरह से होगा, एक तो ओवरऑल आरक्षण अर्थात ऐसे वर्ग जैसे दिव्यांग जो आरक्षण है वो ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अर्थात जैसा उत्तराखंड के विज्ञापन की चर्चा ये स्टॉन साहब ने की, महासचिव जो हमारे उत्तराखंड के हैं ने कल और आज के संदेशों में व्हाट्सएप पे, वहाँ पीजीटी के जो पद हैं प्रवक्ता के इंटर कॉलेजेस में उन पदों में आरक्षण जो किया गया, हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो किया गया उसको जातिगत आरक्षण में, जातिगत आरक्षण में पसंद, ये भी एक इशू है। इंदिरा साहनी में क्या कहा गया है इस समय में, ये कहा गया है कि विज्ञापन के समय आप केवल जितने भी पद आरक्षित जिस श्रेणी के दिव्यांग के लिए करने हैं
वो दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण देंगे, और चयन होने के बाद, ये इंपॉर्टेंट बात है, चयन होने के बाद आप उनको जिस श्रेणी में भी वो हों उस श्रेणी में मेन रोस्टर में उनको प्लेस करेंगे। लेकिन उत्तराखंड वाले केस में क्या हुआ, और भी कई जगह कि उन्होंने कहा एससी ब्लाइंड, एससी ये एसटी डिसेबल्ड, या ये कह दिया कि बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जातिगत रिजर्वेशन के आधार पर दिया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन श्रेणीवार। अगर मान लीजिए 10 पद आरक्षित हैं दिव्यांगों के लिए, तो उन 10 पदों का भी डिस्ट्रीब्यूशन, इतने पद ओसी के लिए ओपन कैटेगरी दिव्यांग के लिए, इतने पद एससी दिव्यांग के लिए, इतने पद एसटी दिव्यांग के लिए, और इतने पद ओबीसी दिव्यांग के लिए। इस तरह का विज्ञापन गलत है, असंवैधानिक है, गैरकानूनी, और माननीय उच्चतम न्यायालय के 8 अक्टूबर 2013 के फैसले के बाद तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस तरह का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आरक्षण को इस तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा सानी के केस में भी स्पष्ट कर दिया कि चयन के बाद उनको एप्रोप्रिएट कैटेगरी में आप। वीमेन का रिजर्वेशन कई जगह कंपार्टमेंटलाइज्ड, जो मैंने बताया था, वीमेन के लिए अगर मान लीजिए 10 पद है, तो जहां जैसी व्यवस्था हो रूल पर डिपेंड करेगा, अधिकतर राज्यों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन ओसी एससी वीमेन एसटी वीमेन ओबीसी वीमेन के आधार पर, मान लीजिए 20% का आरक्षण, तो 20% का आरक्षण इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20% मान लीजिए 20 पद बनते हैं वीमेन के लिए रिजर्व, तो 10 ओसी वीमेन के लिए जाएंगे, और इसी तरह 15% के सापेक्ष जितने भी पद बनते होंगे वो एस सी वीमेन के लिए जाएंगे, 7.5 एस टी वीमेन के लिए, और 27 ओबीसी वीमेन के लिए। इसको कंपार्टमेंटलाइज्ड रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एक बार और इंदिरा सानी के केस में जो भी कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत हमारे आरक्षण के लिए और स्वारक्षण के लिए लागू है, कि किसी भी रिक्रूटमेंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड के बाद भी एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है एक रिक्रूटमेंट ईयर में 50% पदों से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन दिव्यांगों के लिए नियम 50% इसीलिए नहीं लागू, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एनएफबी के केस में स्पष्ट किया। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जिसको हमको आपको समझना है, और आरक्षण से इनके इम्प्लीमेंटेशन से ये सारे इश्यूज संबंधित हैं, और ये समस्याएं जगह जगह पर आती हैं, इसलिए मैं इन इश्यूज को क्लियर भी करता जा रहा हूँ, फ्लैग करता जा रहा हूँ, ताकि जब हम शासनादेशों पर आएंगे, विभिन्न प्रावधानों पर आएंगे, तो उसको हम उस परिप्रेक्ष्य में समझते चलेंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि किस तरह से
आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था इवॉल्व हुई और बाद में वैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई। ये इवोल्यूशन इसलिए भी समझना आवश्यक है, इससे हम आप ये समझ पाएंगे इनिशियल स्टेज पे आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी, इश्यूज किस तरह से सामने आए, फिर उनको किस किस तरह से फेज मैनर में एड्रेस किया गया और अल्टीमेटली आज हम कहाँ पहुंचे। और आज भी समुचित वैधानिक व्यवस्था के बावजूद किस तरह से प्रशासन के लोग अज्ञानतावश कह लीजिए, जिद्दबाजी मान लीजिए, बायस एटीट्यूड मान लीजिए, आर्बिट्रेरीनेस मान लीजिए, किस प्रकार से उस वैधानिक व्यवस्था को का उल्लंघन विद इंप्यूनिटी कर रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ में हमने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, एमपी में देखा, राजस्थान में वीट के मामले में देखा, और आज से नहीं 2002 से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देखा, दिल्ली में केंद्र के विभिन्न विभागों में, रेलवे में किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था का स्टैट्यूटरी व्यवस्था का उल्लंघन विद इंप्यूनिटी किया जा रहा। तो ये इश्यूज आज मैं स्पष्ट करना चाहता था, इंदा सानी के केस को स्पष्ट करना चाहता था। कल से हम शासनादेशों की व्याख्या या उनका व्यवहार वर्णन करेंगे, आप सबसे चर्चा करेंगे कि 1977 में क्या शासनादेश पहली बार आया, आरक्षण की उस समय क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या प्रावधान थे, तो उसको उसके बाद 86 में क्या स्पष्टीकरण, 80 में क्या कुछ उस आरक्षण को लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण क्या कुछ सुधार प्रशासनिक स्तर पर कराए गए, किस तरह से आइडेंटिफिकेशन का इशू रिजॉल्व किया गया। जैसे ग्रुप डी में, ग्रुप सी और डी में आरक्षण था, ग्रुप डी में जो पीएन के पद ज्यादातर होते थे और पीएन का पद दृष्टिबाधितों के लिए आइडेंटिफाइड नहीं था, इसलिए ग्रुप डी का आरक्षण भी बेमानी हो रहा था। इसी तरह ग्रुप सी में ज्यादातर पद क्लर्क के थे और टाइपिस्ट के, स्टेनो के, वे पद भी आइडेंटिफाइड नहीं थे लाइन के, तो ग्रुप सी का आरक्षण भी निष्प्रभावी था। 80 में उसको किस तरह से हम आगे बढ़े, फिर आगे किस तरह से पहले ग्रुप डी में सिक्योर करने के बाद, बाद में 86 में रोस्टर पॉइंट्स निर्धारित जो हुए उससे क्या असर आया, तो 87 में LBC किस तरह से आइडेंटिफाई कराया गया, ये सब, फिर 89 में किस तरह रिजर्वेशन इन प्रमोशन आया, फिर 95 के एक्ट के बाद 97 में किस तरह से ओएमएस आए आरक्षण के संबंध में, ग्रुप ए बी में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण के इशू पर, उसके बाद 2005 में किस तरह से शासनादेश आए कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस देते हुए और आरक्षण को पूरी तरह लागू ना करने के बाद, कानून में, कानून के आने के बाद आरक्षण को पूरी तरह ना लागू किए जाने के कारण बैकलॉग का कॉन्सेप्ट आकर उनको भरे जाने की बात 26 अप्रैल 2006 के आदेश में 29/12/5 के बाद आई। उसके बाद 2013 में जो हिस्टोरिक जजमेंट हुआ उसके बाद किस किस तरह से
उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिस में मेरेंडम्स आए, ये पूरी श्रृंखला हम जारी रखेंगे कल से। एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इन शासनादेशों का, जिन पर हम कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। मैं समझता हूं कि इंदिरा साहनी केस को और विस्तार से समझाने से और फिर अब आगे बढ़कर हम अपने आरक्षण स्पेसिफिक पर बातचीत जब करेंगे, तो अब इन सिद्धांतों को समझने के बाद, संवैधानिक व्यवस्था को समझने के बाद, आरक्षण से संबंधित इश्यूज को समझने के बाद, अब इन शासनादेशों को समझने में और पूरी आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया को समझने में हमको आपको सुविधा होगी। यदि कोई कोई प्रश्न पूछना चाहे तो 5 मिनट में प्रश्न पूछ सकते। क्वेश्चन तो यहाँ से कोई नहीं, लाइव चैट ऑन है, चूंकि कोई प्रश्न है नहीं तो आप सबका बहुत बहुत आभार। कल 7 बजे फिर मिलेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।